टेक्स्ट ही कर सकते हैं भाई साहब ये है भारती जी के हस्बैंड हर्ष लिम्बाचेरी। हर्ष गुड गुड हर्ष, आप कैसे हो? नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप कैसे? नमस्ते वस्ते कोई नहीं, हम लाइव कर रहे हैं, तुम जाके पीछे सफाई वगैरह देखो और फिर आप आ जाओ। हर्ष मैं आ रहा हूँ बर्तन वर्तन करके, बर्तन पोच के लगाने हैं, जाओ। हाँ और भाई एक गाना तो सुना दो। भारती एक बात बता, सही सही हाजी मजाक अपनी जगह, तू सच में अपने हस्बैंड से बहुत काम करवाती है, बता। ओके मैं समझ गया, कोई बात नहीं। अच्छा इस समय अपने ही अपनों के काम आते हैं अपने तो बिल्कुल बिल्कुल भाई, लेकिन अच्छा ये चीज अच्छी होगी। मैं आलू वाला कुलचा, आलू वाले कुलचे की याद नहीं आ रही? मोनू का आलू वाला कुलचा क्रिस्पी और ऐसे बटर डाल के, बटर ऐसे फैल जाए। मैं प्रेयर करता हूँ, मैं आपको भी सिखाता हूँ भारती, कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दे ताकि जिन चीजों को मैं बदल ना सकूं उन्हें स्वीकार कर लूं। तो अब मैं नहीं खा सकता हूं आई नो कोई भी ऐसी चीजें, अमृतसर के कुलचे, तो अभी मैं फिर मैं याद ही नहीं करता हूं उस चीज को। और जैसे ही सब माहौल ठीक हो जाएगा फिर मैं जाऊंगा पंजाब और मैं दबा के कुलचे खाऊंगा बिल्कुल मैं भी जैसे ही ये माहौल ठीक हो जाएगा मैंने अमृतसर जाना है, अपने घर वालों को मिलना और कुलचे और लॉरेंस रोड जाके काना की पूड़ियां खानी है, जो आलू की सब्जी देते हैं और साथ में चने देते हैं और खट्टे प्याज देते हैं। शाबाश, पानी आपके भी सारी उम्र हुआ है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है भारती, तू सारी उम्र वहां पे, तूने पूरा अपना बचपन बिताया है, कॉलेज तेरा वहीं पे था जहां पे पूड़ियां मिलती हैं उसके सामने ही। अभी भी कोई कमी रह गई है कोई पूड़ियां खाने में जो तूने अभी भी खानी है जाके वहां पे? रह गई है भाई, रह गई है। मैंने सोच लिया हुआ, मैंने जाते लैंड करते पहले मोनू का कुलचा, फिर मैंने अगले दिन दोपहर को केसर ढाबे में रोटी खानी है, फिर अगले दिन मैंने काना की पूड़ियां खानी है और साथ में गुड़ वाला हलवा जो ऐसे डोने में देते हैं और खट्टे प्याज और आलू, एक बाइट लेनी है आलू, फिर उसमें थोड़े चने लगा लेने। ऐसे करके खानी है पूड़ियां। पानी आपके मुंह में आ चुका है देखो भारती। देख एक महीना खाने पीने की कोई बात नहीं होगी हम लोगों को। और मैं एक और बात शेयर करनी है भारती, आज तेरे अकाउंट से हम लोग लाइव जा रहे हैं तो अभी ना न्यूज में आ रहा था कि बहुत सारे लोगों ने अपने जो पेट्स हैं वो उनको घरों से बाहर निकाल रहे हैं ये सोच के कि उनको लगता है कि कोरोना वायरस उनसे भी फैलता है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ सबसे सबके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे घर में दो पेट्स हैं, मेरे घर में दो पेट्स हैं। और भारती मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जी कि आप घूमने फिरने की बहुत शौकीन हैं और आप घर पे टिक के बैठ नहीं सकती, आपके पेरेंट्स ने भी बड़ी कोशिश की बचपन में आपको बांध के रखने की, आप नहीं मानी, तो अब आपको कैसा लग रहा है? आप इतने दिनों से घर पे हैं, मेरा घर आपके घर के ज्यादा दूर नहीं है और आप अक्सर ही आ जाया करती थी पहले घूमने फिरने सैर करते, अब आप 15 दिन से नहीं आई है तो कैसा लग रहा है आपको? आई वॉन्ट टू नो, मैं सब जनता को चाहता हूँ कि वो भी सुने कि भारती सिंह कैसे अपने घर पे रह रही हैं। मैं बताना चाहूंगी कि ऐसा लग रहा है अभी ऐसे हालात हो गए लेकिन घर से बाहर नहीं निकलना। और पर एनीवेज जोक्स अपार्ट, ये इस समय घर पे रहना ही जो है वही सेफ है, वही सुरक्षित है सबके लिए, वही सही है। और इस समय मेरी हाथ जोड़ के आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं इंक्लूडिंग यू भारती, आई नो यू आर डूइंग योर बिट, इस समय फील्ड पे जाके काम कर रहे हैं और इस समय सबसे जरूरी जो है और सबसे ज्यादा मुश्किल जो है उन लोगों को आ रही है जो बेचारे डेली कमाते हैं और डेली खाने वाले लोग हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल। उन लोगों के लिए इस समय बहुत मुश्किल है और मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा नहीं तो अपने एरिया में आपके आसपास जितने भी लोग हैं, चाहे वो आपकी बिल्डिंग में काम करने वाला स्टाफ है, आपके वॉचमैन हैं या जो भी, तो आप उनकी मदद जरूर करें। और हम लोग भी कोशिश करते रहते हैं सोशल मीडिया पे ऐसी चीजें शेयर करें लेकिन कुछ लोग जो हैं वो इस माहौल में भी नेगेटिविटी फैलाने से बाज नहीं आते,
बहुत मैंने अभी किसी एनजीओ के लिए शेयर किया और वो लोग चंडीगढ़ में और पंजाब में खाना और वो सब चीजें जो लोगों को खाना की समस्या है उनके लिए खाना पहुंचा रहे हैं। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप सब लोग जो भी सोशल मीडिया का जो है वो भरपूर इस्तेमाल करें अच्छे वे में और लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें और जैसे मैंने पहले कहा कि जो एनजीओज हैं या जो भी लोग इंडिविजुअली जो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनके बारे में आप अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, उनके जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो शेयर करें और बस बाकी अपने परिवार के साथ समय बिताएं और बस ज्यादा ज्ञान ना बांटते हुए मैं जानना चाहूंगा कि हमारे साथ इस समय कौन कौन लोग जो हैं वो हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कहां से शुरू करूं, सुबह उठने से लेकर रात सोने तक? हाँ जी हाँ जी। तो पहले तो मैं सुबह जब उठता हूँ उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए सोता हूँ जी, और उसके बाद मैं ब्रश रश करके फ्रेश होके फिर मैं अपने बेबी के साथ थोड़ा टाइम खेलता हूँ और उसके बाद मैं बेबी के साथ खेलते खेलते थक जाता हूँ और फिर मैं सो जाता हूँ और मैं इतना ये देखो पीछे ये देखो क्या कर रहा है ये बेबी छोटा। से हेलो नायरू अनायरा, अभी इसका वॉक का टाइम है तो ये घर पे ही घूमती है। चलो आप कैरी ऑन करो, घुमाइए, अभी बेबी घूम रहा है तो अभी बिकॉज मैं लाइव हूँ तो कोई और उसको घुमा रहा है। उसके बाद फिर मैं कुछ ना कुछ खा लेता हूँ और किसी ने लिखा कपिल और भारती कुछ कॉमेडी करो, कितना तुमने हमें 1500 रुपए दिया है ना इंस्टाग्राम पे लाइव आने का कि तुम्हारे लिए कॉमेडी करें हम यहाँ पे। तो मेरे भाइयों कॉमेडी तो हम टीवी पे भी करते रहते हैं लेकिन मुझे पता नहीं भारती जो हम लोग मैसेज दे रहे थे पहले वो लोगों तक पहुंचा है कि नहीं। सो बिल्कुल मेरा यही कहना है, ये मैं पोस्ट करूंगी फिर लोग देख लेंगे। तो मेरा यही कहना है कि सोशल मीडिया का एक बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल करें आप। भाई आपका नेटवर्क सही क्यों नहीं है, नेटवर्क क्यों नहीं सही आपका? भारती कैन यू हियर मी? यस यस यस। भाई आप चले जाते हो तो मेरे फॉलोवर्स कम हो जाते हैं, आप आते हो तो 25,000 तक आ गए थे। मैं वापस आया ये कहने कि मेरा नेटवर्क कंट्रोल मेरा पुअर नहीं है, ये भारती का नेटवर्क जो है खराब है, ये बीच में बंद कर देती है। और अर्चना मैम भी इस समय हमें सुन रही है, मुझे सबसे ज्यादा टेंशन अर्चना मैम की हो रही है। अर्चना मैम आप खाना कैसे खाते होंगे, शूटिंग तो हो नहीं रही। बट वी आर मिसिंग यू। यस यस भारती, वो अनुकल्प जी आजकल वीडियो बना रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? अनुकल्प हमारी टीम के बड़े ही सीनियर राइटर हैं और वो इस समय अपनी भड़ास निकाल रहे हैं क्योंकि वो एक्टर ही बनने आए थे, पर वो हर किसी की डेस्टिनी होती है। वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं और राइटर तो खैर बड़े ही कमाल के हैं। तो उनके कल मैंने वीडियोस देखे। अंकल भाई वेरी गुड, कीप इट अप, कीप एंटरटेनिंग द होल वर्ल्ड ड्यूरिंग दिस टफ टाइम एंड आई होप पीपल आर एंजॉयिंग। देखो आप आ गए, 24,000 लोग आ गए। वाओ थैंक यू सो मच गाइस, आप जितने भी लोगों ने हमें इस समय ज्वाइन किया है। और हाँ बार बार मैं एक्चुअली लाइव आता नहीं हूँ, मुझे आता नहीं था एक्चुअली, तो एक दो दिन पहले मैंने किसी वेब पोर्टल के साथ लाइव किया, उसके बाद मैंने और भारती ने कल सलाह की, बहुत सोच विचार करने के बाद हमने सोचा कि आज हम लाइव जाएंगे और आप लोगों से बातें करेंगे। सो मुद्दा यही है दोस्तों कि बस इस मुश्किल घड़ी में हम लोग अपने घरों में रहें और जैसे मैंने पहले कहा कि अपने आसपास आपके जितने भी आपको लगता है नीडी पीपल हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं, चाहे वो किसी को खाना भिजवाना हो, चाहे हमारे आसपास जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनकी मदद जरूर करें, उनको खाना दें। और क्योंकि हम लोग अगर अपने घर के आसपास का जो एरिया है उतने वहां पे जितने भी नीडी पीपल हैं इस समय जिनको जरूरत है हमारी, अगर हम उनका ही ध्यान रखना शुरू करें तो मुझे लगता है कि अपने आप ये काफी हद तक मसला सॉल्व हो जाएगा। और बाकी सोशल मीडिया का बड़ा पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अच्छा इस्तेमाल करें। और भारती ने अपने मुंह के आगे लगा ली है चूटी, बिल्कुल चुप हो गई है भारती। हर्ष कहाँ है? तो मैं ये कहना चाहूंगी भाई आपको, आज आपने क्या खाया? यही सही है, बस ये सबसे बेस्ट है, डाइजेस्ट होने में इजी है भारती, नहीं तो ये ना हो तो पराठे खाती रहे पूरा लॉकडाउन में और दो भारतीयां नजर आए लोगों को बाद में जब बाहर आए अपने घर से। अब देखो टॉप एंगल से हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारे मुंह सही नजर आ रहे हैं, नीचे ठुड्डियां जो हैं ये सब निकलने वाली हैं और 10-15 दिन में। तो इस समय हमारे जितने भी दोस्त हमें, अच्छा हम लोग लोगों से भी बात कर सकते हैं क्या भारती अभी ऐसे? हाँ जी, जो लोग हमें इस समय देख रहे हैं 21,000 लोग,
जो लोग हमें इस समय देख रहे हैं, हाँ, तो उनसे भी बात कर सकते हैं हम कि सिर्फ ऐसे अभी वो दोनों वॉक करने के लिए गए हैं नीचे पार्किंग में, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब जो अफवाहें हैं, ये लोग पता नहीं, क्योंकि जब भी कोई ऐसी चीज होती है देश में, कुछ भी ऐसा कुछ चल रहा होता है, तो कुछ अफवाहें लोग फैलाते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि जो आपके घर में जो जो भी आपने पेट्स रखे हैं उनसे आपको कोई खतरा नहीं है, उनको प्यार से रखें, अपने परिवार की तरह रखें, और इससे कोई कोरोना का जो है फैलने का वो खतरा नहीं है। सो बिल्कुल बिल्कुल, इनसे बिल्कुल भी नहीं फैलता भाई, ये बड़े प्यारे बच्चे हैं। भारती के घर में भी पेट्स हैं, हाँ। इंसान तो मुंह से मांग लेता है, ये बेचारे मांग ही नहीं सकते। सो मैं तो अभी जब बाहर गई थी मैंने बहुत सारे बिस्किट विस्किट डाले थे डॉग्स को। वेरी गुड। और जब बाहर निकलो आप तो डॉग्स आपको ऐसे देखते हैं, ऐसे ऐसे लगता है कि पूछ रहे हैं कि मतलब हमारे से कोई गलती हुई है, बाहर क्यों नहीं आ रहे सारे, क्या हो गया, कैसा हो रहा है उनका। हाँ, वो बच्चे उनका, तो प्लीज आप उनका भी ध्यान रखें, बिकॉज ईश्वर ने पूरी दुनिया जब कायनात बनाई तो उसने जो दिमाग है वो दिया इंसान को कि आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करें और दुनिया को और खूबसूरत बनाएं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो गलत चीजों में दिमाग लगाते हैं, बड़ी सारी, जैसे अभी हमने पेट्स के बारे में बात करी, वैसे मैं सोशल मीडिया पे नेगेटिविटी की बात भी कर रहा हूँ, तो लोग सोशल मीडिया पे अभी भी कुछ लोग फैले हुए हैं फालतू की बातें कर रहे हैं। ये नहीं कि सोशल मीडिया का हम लोग एक अच्छा इस्तेमाल करें, लोगों में अवेयरनेस फैलाएं और जिन लोगों को मदद की जरूरत है उनकी मदद कर पाए हम लोग किसी तरीके, उन सब चीजों के लिए आप इसका इस्तेमाल करें तो मेरे ख्याल से थोड़ी जिंदगी और खूबसूरत हो सकती है। बहुत सही कहा, बिल्कुल सही कहा। मैं तो आए दिन वीडियोस बनाती रहती हूँ, बोलती रहती हूँ, लाइव जाती रहती हूँ, और मेरा काम है लोगों को इस टाइम पे एंटरटेन करना, इसीलिए मैं अपने बहुत सारे टिकटॉक के वीडियोस भी डालती रहती हूँ ताकि लोग बोर ना हो, घर में एंटरटेन होते रहे। तो वेरी गुड भारती, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपसे भी बड़ी भाई उम्मीद है, लोग आपको भी टिकटॉक में, एक इंस्टाग्राम पे आपका वीडियो देखना चाहते हैं भाई, थोड़ा ऐसा गाना वाना गाते हुए। इंस्टाग्राम अभी मुझे पहले एक्चुअली लाइव आना नहीं आता था कि इंस्टाग्राम पे लाइव कैसे आते हैं, फेसबुक पे लाइव मैंने बहुत बार किया है और टिकटॉक में बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, और लेकिन अब मैं डेफिनेटली इंस्टाग्राम पे जो है मैं वो लाइव आया करूंगा कभी कभार, और अच्छा लगता है, और बहुत सारे लोग इस समय जो हमें मैसेजेस भी कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। हाँ, और भाई मैंने ये सोचा कि जैसे परसों अष्टमी है तो अभी लड़कियां तो घर में आ नहीं सकती, लेकिन मैंने खाना बनाना है, जो भी पूरी हलवा ये वो, मैंने नीचे जाके सारे वॉचमैन को बांटना है, क्योंकि अभी हमारे लिए वही भगवान है जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो बिल्कुल भारती, और जिस देवियां हैं, और मैं सबको खाना खिलाने वाली हूँ नीचे जाकर, और बस, और माता रानी भी, माता रानी भी इसी से बात से खुश होगी कि जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, किसी जरूरतमंद का जो हेल्प करते हो, तो बहुत दुआएं मिलती हैं। घर में तो हाँ जी, हाँ जी, छोटा सा तो बड़ा मजा आया, छोटी सी देवी है, लक्ष्मी है, तो हम लोग तो आप इसी तो इस बार नवरात्रों में, हाँ, तो मेरी छोटी सी कंजक है, तो हम लोग तो उसी को बिठा के, और जैसे बचपन में करता था मेरे घर में, मेरे पापा मम्मी जब हम लोग नवरात्रे आते थे तो बहुत सारी छोटी छोटी कंजक आती है, उनके पैर धुलते हैं, पैर धुलाओ उनके, फिर उनको जो भी खाने का सामान दो, है ना, और पर तो मैं इस बार एनारा के साथ ही करने वाला हूँ, उसके पैर धो के, और नवरात्रि में जो पूजा होती है, मेरी छोटी सी कंजक है खुद की पर्सनल, तो इस बार हाँ मेरा, मैं मिस करूंगा जो छोटी छोटी बच्चियां आती हैं, बहुत सारी हमारे हर बार आती है, बहुत मिस करूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट जब नवरात्रे आते हैं तो मेरी माता रानी से दुआ है कि ये सब माहौल जो एकदम से ठीक हो जाए, पूरी दुनिया में वापस वही काम धंधे सब चालू हो जाए, और ये जो कोरोना है ये बिल्कुल फिनिश हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल, और दुनिया चालू हो जाए, फिर से जो रोजी रोटी रोज कमाते हैं वो रोज कमाने लग जाए, हम भी आप लोगों को एंटरटेन करने लग जाए। तो थैंक यू सो मच भाई, बड़ा अच्छा लगा, थैंक यू, क्योंकि मैं थैंक यू भारती करती हूँ, क्योंकि खाना बनाना है, क्योंकि मैं भारती अभी बाय मत कर, अभी तो अभी मैंने देखा शुमोना भी तेरे को उसमें ज्वाइन करना चाहती है, फिर और कौन था अपनी टीम में से, अर्चना जी हैं। अच्छा, तू अलग अलग एपिसोड में ऐसे करेगी? हाँ जी, एपिसोड okay, okay, ऐसे enjoy, मतलब लोगों को बताएं कि हम घर में हैं,
हम घर में हैं राइट right. लोगों को ये बताना चाहते हैं कल अर्चना और जी हम, के साथ लाइव जाऊंगी ओके वेरी गुड लव यू अर्चना जी इस समय अगर आप हमें देख रहे हो तो भारती बेटा एक बात और पूरी दुनिया के लिए जो हमने बातें बोली थी वो बोल दी तेरे लिए एक स्पेशल बात दिन में खाना एक बार कर दे और नहीं एक बार कहने का मतलब लंच जो है वो एक बार करो डिनर भी एक बार करो क्यों क्योंकि अभी एक महीना घर में रहना है तो थोड़ा सा बेटा कंट्रोल करिए आप अपने खाने पे और पर तू क्यूट लगती है भारती तू तू ना डाइटिंग करना मैं मजाक कर रहा हूँ तू ऐसी क्यूट लगती है मैं तुझे ऐसे ही देखा गोल मटोल और तू बड़ी प्यारी लगती है और भारती जो तू ये जानवरों के लिए काम करती है और एक बात और भारती ये जो तू जानवरों के लिए काम कर रही है मुझे पता है तू भी बहुत सारे एनजीओ के साथ जुड़ी हुई है वो काम करते रहना और आई लव यू एंड योर स्वीट हार्ट थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लोग देख रहे हैं प्लीज घर में रहिए साफ सुथरे रहिए हेल्दी रहिए योगा करिए घर का काम करिए और बस जरूरतमंदों की मदद करिए थैंक यू सो मच कपिल भाई स्टे सेफ स्टे हैप्पी थैंक यू सो मच बाय बाय